ठीक है, तो नेक्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक आसान क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं था। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसको समझते हैं। क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ मैं पहले आपको। फॉर एन आइडियल रैंकाइन ऑपरेटिंग आइडियल रैंकाइन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन प्रेशर ऑफ 30 bar एंड 0.04 bar द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन इज 903 किलोग्राम क्लोजूल पर किलोग्राम एंड वर्क इनपुट टू द फीड पंप इज 3 क्लोजूल पर किलोग्राम। द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज किलोग्राम पर किलोवाट आवर में पूछा था आपसे, ठीक है। तो देखो स्टीम कंजम्पशन रेट होता क्या है, अगर मैं स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन की बात करूँ तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन होता है आपका मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट पावर आउटपुट, यूनिट पावर आउटपुट, ठीक है। ये यूनिट इसकी यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर सेकंड। और यहाँ पे यूनिट पावर आउटपुट की बात की तो मैंने क्या कर दिया, पावर से इसको डिवाइड कर दिया था। ये आपका क्या हो जाता है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, राइट। अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू व्हाट, डब्ल्यू नेट, ठीक है ना, टोटल वर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो वैल्यू होगी आपकी किसमें, क्लोजूल पर किलोग्राम में होगी। और ये क्या है, किलोग्राम पर सेकंड में है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल होगा, क्लोजूल पर सेकंड मतलब आपको किलो वाट में क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, राइट। इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वन अपॉन डब्ल्यू नेट, ठीक है। इसको यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपकी वो किस में मिलेगी, आपको किलोग्राम पर किलोवाट सेकंड में मिलेगी। इसको किलोग्राम पर किलोवाट आर में कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करना था। डब्ल्यू नेट हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, डब्ल्यू नेट होता है आपका डब्ल्यू टर्बाइन माइनस डब्ल्यू पंप। आपको यहाँ पे टर्बाइन और पंप, देखो ये गिवन डेटा जो है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, टर्बाइन का वर्क दिया हुआ है 903 किलोजूल पर केजी और पंप वर्क दिया हुआ है 3 किलोजूल पर केजी, ठीक है ना। तो दोनों डेटा आपको दिए हुए थे तो ये क्या आ जाएगा, 3600 अपॉन वॉट 903 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 3600 अपॉन वॉट 900 और ये हो जाएगा आपका 4 किलोग्राम पर किलोवाट आर। किसका आंसर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो आप देख पा रहे हैं अगेन एक इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई करके आपका आंसर हो जाएगा 4।